जी अस्सलाम वालेकुम माय लीडर्स, कैसे हैं? तसल्ली से देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम ओजीसी की केवाईसी करेंगे और एज ओजीसी की केवाईसी के ऊपर काफी जो है लेंथी प्रोसेस है। अगर ये आप करेंगे तो ओजीसी की जो है केवाईसी आपकी अप्रूव होगी। हैश की ग्लोबल का आपने नाम सुना होगा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो है तरीका बताया था कि इसकी डिटेल भी दी थी केवाईसी के हवाले से। आज जो है हम लाइव केवाईसी करेंगे। केवाईसी आपने जो है अगर नहीं की हुई, ये वीडियो लाजमी देखिएगा, अपनी टीम के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी केवाईसी जो है कर सके अपनी। सो आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। सो गाइस, यहाँ पे ओजीसी का यहाँ पे आपको मेरा जो है स्क्रीन शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है पार्टनर ऐप से। अगर इसके ऊपर आप क्लिक ना भी करें तो ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके सिंपल जो है यहाँ पे जाके अपनी केवाईसी कर सकते हैं। हैश की ग्लोबल यहाँ पे मुझे शो हो रहा है क्लेम्ड वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा जहाँ पे मैं अपनी ईमेल डालूंगा, पासवर्ड सेट करूंगा और साइन अप कर लूंगा। फिर मैं इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा, वहां पे सारा प्रोसीजर जो है करेंगे। तो प्रोसीजर यहाँ पे कुछ लेंथी है। सबसे पहले एक चीज आपने चेक कर लेनी है, ये ओजीसी एप्लीकेशन के अंदर आपने अपना ईमेल जो है उसको चेक कर लेना है। आपका ईमेल यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, उसी ईमेल के साथ जो है आपने अपना इसके ऊपर अपना अकाउंट जो है वो बनाना है। आए दिन इसकी पार्टनरशिप हो रही है, आय से ज्यादा ये आपको प्रॉफिट देगा, तो कोई भी मिस ना करे, एंड तक आपने वीडियो को देखना है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें तो लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर जो है मैं जिस चीज की वीडियो नहीं बन सकती वो चीज वहां पे जो है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद जो है आगे स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट करूंगा। अब देखें आपको कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड जो है अब शो होगा। सो गाइस, यहाँ पे हम जो है साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कैप्चा मिलेगा। कैप्चा आपने कैसे सोल्व करना है, ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सब पहले नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये, तो हमने ऐसे इनको क्लिक करना है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। अब हमने इसको ओके कर देना है, हमारा कैप्चा जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हमें ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी हमने वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल, ओटीपी हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इस ओटीपी को हम यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे हम डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये ओटीपी यहाँ पे आ गया और ऑटोमेटिक जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हमारी इसकी होगी। अब एंड्रॉयड एपीके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एक ऐप जो है वो इंस्टॉल हमारे पास यहाँ पे जो है हो जाएगी, जिसको जो है हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमने लॉगिन करना है, जिस ईमेल के साथ अभी हमने लॉगिन किया था, सॉरी साइन अप किया था, उस ईमेल और उसी पासवर्ड के साथ उस एप्लीकेशन के अंदर हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो है कुछ इस तरह की चीजें मांगेगा, जिसमें हमारे बैंक की या कोई ऐसी हमारी स्टेटमेंट मांगेगा, तो वो हमें वहां पे प्रोवाइड करनी होगी। इसकी केवाईसी का जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है ओजीसी वालों का, ये ओजीसी का तरीका नहीं है। हैश की ग्लोबल एक एक्सचेंज है, हैश की एक्सचेंज की जो है हम केवाईसी करेंगे, ये ओजीसी की नहीं है, हैश की ग्लोबल की हम केवाईसी करेंगे। एपीके डाउनलोड हो जाए फिर नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो चुकी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रोम की सेटिंग में हमें ले जाएगा, हम इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल, हमारे पास एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सारी वर्किंग जो है वो करेंगे, तो इसको यहीं से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है इसका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब हमने यहाँ पे साइन इन करना है, साइन अप हमारा वहां पे हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वही ईमेल जो है वो डालूंगा, वो ईमेल डालने के बाद वो पासवर्ड जो वहां पे लगाया था वो भी यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे जो है ईमेल को मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। अब हम इसको करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद वही कैप्चा, कैप्चे का मैंने आपको मेथड जो है वो बता दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा थोड़ा नहीं करते हैं ये और ये, अब हम ओके कर देंगे। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई नाउ करना है, दोबारा इन्होंने जो है मुझे ईमेल के ऊपर जो है कोड था। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे रजिस्टर हो गया है।
इसके बाद अब हमने अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरीफाई नाउ यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो है स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। द फॉलोइंग एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। एडी प्रूफ हमें अपलोड करना होगा, अपना एडी कार्ड फ्रंट बैक, उसकी पिक्चर, हमारी लैब जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन करनी होगी। जी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास जो है ये क्या चीज़ मांगते हैं, यहाँ पे मुझसे नंबर मांगेगा, मैं अपना नंबर जो है यहाँ पे लिख दूंगा। तो यार ये नंबर पे मुझे तंग नहीं करना, आप लोगों ने नंबर तो मैंने शो कर दिया, तो ऑलरेडी काफी मैं डिस्टर्ब हूँ, बड़े मैसेज आए हुए हैं यार, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ना हो कि आपको भी ना कर पाऊँ, फिर आप नाराज होंगे, यार भाई रिप्लाई नहीं करता। तो अब हम ओटीपी का वेट करेंगे, हमें ओटीपी रिसीव होगा, यहाँ पे डालेंगे तो अपना नंबर जो है वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी रिसीव हो चुका है। तो गाइस फोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड थोड़ी देर ले रहा था, एक नंबर ट्राई करें, अगर उस पर ना आए तो दूसरा आपने नंबर लगाना है। नंबर का थोड़ा इशू आया था मुझे भी, आपने देखा होगा 4-5 मिनट लग गए थे मुझे कोड लेते लेते, ठीक है, रीसेंड 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 करते करते एक नंबर पे नहीं आया, दूसरा दूसरा नहीं लगाया, तीसरा तीसरे नंबर पे मुझे जाके जो है कोड रिसीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे वो हमारा जो है कंट्री पूछेगा कि आप क्या कहाँ पे रहते हैं, क्या आप अमेरिका में रहते हैं, हम बोलेंगे नहीं हम अदर साइड पे जो है रहते हैं, मैं पाकिस्तान पे हूँ, बट यहाँ पे कंट्री जो है शो नहीं हो रहा। आप बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी रहते हैं अदर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने जो है दो चीजें शो करेगा, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर आईडी कार्ड की वो आपने अपलोड करनी है, उसके बाद जो है आपने सेल्फी यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है। तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है मोबाइल की, मुझे पता ही नहीं चला, वैसे पावर बैंक तो लगा लिया मैंने, अगर बंद हो गया तो फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आपने भी अपना फर्स्ट और सॉरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपने फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, उसके बाद आपने अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो वो मैं जल्दी से जो है कर लेता हूँ। तो गाइस जो वेरिफिकेशन थी CNC की भी मैंने अपनी अपलोड कर दी है, तो अब मेरी वो वेरिफिकेशन जो दूसरी वेरिफिकेशन होती है वो भी हो चुकी है, लाइव वेरिफिकेशन। लाइव वेरिफिकेशन में करना क्या होगा, एक तो आपको इस तरह बोलेंगे, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, क्लियर आपका फेस नजर आना चाहिए, आपने बिल्कुल इस तरह फेस करना, वो बोलेंगे स्ट्रेट आप अपना फेस जो है वो रखें, तो आपने अपना फेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हमारे पास जो पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, नेशनैलिटी पाकिस्तान, आईडी टाइप पाकिस्तान, ये कुछ चीज़ें मैं आपसे ब्लर रखूंगा, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा, परमानेंट नाम यहाँ पे लिखेगा और लास्ट नेम यहाँ पे मुझसे जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है अपना लास्ट नेम लिख दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ ये ऑप्शनल है, ये आप डालें या ना डालें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अदर इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे, अदर इंफॉर्मेशन जो है आपसे ये वाली लेगा कि ये वाली यहाँ पे आपने नो करना है, क्योंकि हम कोई हैश की ग्लोबल के जो है मेंबर नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन लेगा, कंट्री रीजन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अपना जो है अपना प्यारा पाकिस्तान यहाँ पे सर्च करेंगे, वो डालेंगे। टाइप ऑफ प्रूफ रेजिडेंस यहाँ पे आपने प्लीज सिलेक्ट अ फाइल टाइप, यहाँ पे अपना जो है स्टेटमेंट जिसकी मैंने आपको बात की थी, यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी आप कोई भी फर्दर डाल दें, तो मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो उठा के वो डालूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट वो जो है डाल दी है, आप सिंपली अपने जो है बिजली का बिल या पानी का बिल है तो वो डाल दो, अदरवाइज जो अब किसी भी इजी पैसा या जैज कैश या मैंने जैज यार मेरा रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल जो है वो गर्म हो गया था तो इस वजह से। अब यहाँ पे जो है मैंने जैज कैश की यहाँ पे स्टेटमेंट डाली, उसके बाद मैं नेक्स्ट करके चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा जो है अकाउंट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ये यहाँ पे हमारी हम जहाँ पे जॉब करते हैं वो डाटा लेंगे हमसे, तो हम एम्प्लॉयड करेंगे या नहीं, यार यहाँ पे आप जो है नो करंटली एम्प्लॉयड करें या स्टूडेंट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपसे जॉब उसके अपनी एसोसिएट करेंगे, क्योंकि मैंने एसोसिएट किया हुआ है, नॉट
एसेट यहाँ पे कुछ भी आप 0 से 2 मिलियन आपने करना है, इनिशियल सोर्सेज ऑफ फंड वो आपने यहाँ पे अदर कर देना है, नो इशू अदर में। बल्कि यहाँ पे मसला आ रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम कमीशन इनकम एंड सेविंग, यार इस पर क्लिक ये बेहतर रहेगा, तो हम इस पर जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ वेल्थ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इनकम एंड सोर्सेज, अगर कोई और आप यहाँ पे रखना चाहें कमीशन वगैरह वाला वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है अकाउंट यूजिंग, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कैपिटल गेन या कुछ भी यहाँ पे जो है आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर हमारा लेगा, सिग्नेचर आपने कुछ भी जो है डाल देना है, मैं इस तरह का जो है आपको डाल दूंगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चेक द स्टेटमेंट की वो मुझे बात कर रहा है, तो अब मुझे जो है बैक जाना पड़ेगा इसकी स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे बल्कि क्लिक करके देते हैं। हाँ यहाँ पे मसला आ रहा था, आपने यहाँ पे इनको एग्री कर देना। अब यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन जो है वो अंडर रिव्यू के अंदर चली गई है। अब यहाँ पे अगर मुझे एक मसला आएगा, अगर मुझे मसला आया तो जो स्टेटमेंट मैंने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जाके मैंने जैद कैश की स्टेटमेंट दी थी तो वो मसला आएगा, अदरवाइज मुझे कोई भी मसला नहीं आएगा, हमारी केवाईसी इंशाल्लाह रजिस्टर होगी। और यहाँ पे क्या होगा, वो अगर स्टेटमेंट का मसला आया तो मैं फिर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बिल प्रोवाइड करूंगा ताकि जो है मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी ये जो है अंडर रिव्यू मुझे शो कर रही है, यहाँ पे थोड़ा इसके ऊपर मैं वेट करूंगा कि मेरी वेरिफिकेशन इसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाए।